गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनपद में कुल 122 धान खरीद केंद्रों पर हो रही है धान की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 और 2040 रुपए है निर्धारित। एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील। कहा, अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417615 पर करे संपर्क, तत्काल दूर होगी उनकी दिक्कत। आधार कार्ड के जरिए लोगों के करोड़ों रुपए निकालने वाले दो अपराधियों विकास उर्फ विक्की सहनी और अक्षय यादव को साइबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईजी पे कंपनी के पेमेंट गेटवे की शिकायत पर मामला हुआ था दर्ज। एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने किया खुलासा। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावलियों का शुक्रवार को हुआ अंतिम प्रकाशन। एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नगर निगम के दायरे में 10 लाख व पूरे जनपद में पंचायतों को मिलाकर जारी हुई 13 लाख मतदाताओं की सूची, 1,30,000 से अधिक पूरे जनपद में बने नए मतदाता। विदेशी यात्रियों की सहायता के लिए जीआरपी ने की फॉरनर हेल्प डेस्क की गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापना। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा, 24 घंटे खुला रहेगा फॉरनर्स हेल्प डेस्क। विदेशी यात्रियों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ प्रदान किया जाएगा आवश्यक सहयोग। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। कहा, करियर के साथ साथ निभानी है आपको एक होममेकर की भूमिका। परिवार की सेफ्टी के लिए भाई बहनों व मम्मी पापा को ट्रैफिक नियमों का जिद करके करवाएं उनसे पालन। साइबर क्राइम की लगातार हो रही घटनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने शहर के सभी सिनेमा हॉलों के मैनेजर के साथ की बैठक। कहा, सभी सिनेमा हॉलों में साइबर अपराध जागरूकता के लिए चलाया जाएगा स्लाइड, ताकि आम जन साइबर अपराध के ना हो शिकार। रंगदारी मांगने के आरोप में हिस्ट्री शीटर राजू यादव उर्फ राजीव को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के विभिन्न चौराहों पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 122 धान खरीद केंद्र हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी धान केंद्र पर जाकर अपना धान विक्रय करें जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 और 2040 रुपए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417615 पर ऑफिस टाइम में संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और जिला धान खरीद अधिकारी हूं। हमारे जनपद में कुल 122 धान खरीद केंद्र हैं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है वो क्रय केंद्रों पर आएं और अपना धान विक्रय करें। हमारा जो समर्थन मूल्य है 2060 रुपये 2040 रुपये है। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं ऐसा कोई क्रय केंद्र वाला किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे लगता है उन्हें कि उसकी सूचना या शिकायत ऊपर की जानी है, तो मेरा मोबाइल नंबर 9454417615 है। मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9454417615 है। आप कभी भी ऑफिस आवर्स में, जैसे प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5-6 बजे के बीच, हमें रिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। धन्यवाद। इजी पे प्राइवेट लिमिटेड एक पेमेंट गेटवे कंपनी है जो कि मनी ट्रांसफर, आधार निकासी, ऑनलाइन रिचार्ज आदि की सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी को उनके स्पॉन्सर्स बैंक एंड यस बैंक, एनएसडीएल बैंक,
क्योसेरा बैंक के द्वारा ईमेल के जरिए ग्राहक की शिकायत आई कि ग्राहक के बिना जानकारी के उसके खाते से आधार कार्ड के जरिए अनधिकृत धन निकासी हुई है। जांच में ज्ञात हुआ कि AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस का अपराध में लिप्त साइबर अपराधियों के द्वारा भूलेख के वेबसाइट से ग्राहक के रजिस्ट्री पेपर को डाउनलोड कर रजिस्ट्री पेपर पर अंकित आधार कार्ड संख्या तथा अंगूठे के निशान को लिटमस पेपर पर प्रिंट करके प्रिंटिंग एनहेंसर की मदद से उक्त फिंगरप्रिंट का नकल कर उसको मार्फ करके ग्राहक के खाते से अनधिकृत रूप से पैसे की धन निकासी कर लेते हैं। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस की मदद से रोजाना 10,000 रुपये की अधिकतम धनराशि निकाली जा सकती है। ग्राहक के पैसे उसके खाते से निकाल कर ईजी पे कंपनी के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बाद ईजी पे कंपनी के वॉलेट से किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद उस पैसे को ATM से निकाल लिया करते थे। पंचशील टेक पार्क वन येरवड़ा पुणे महाराष्ट्र में स्थित ईजी पे प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के रूप में कार्यरत विकास मकवाना द्वारा साइबर अपराध थाना गोरखपुर परिक्षेत्र को डाक सूचित कराया गया कि ईजी पे प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर बैंक से AEPS फ्रॉड ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्राहक ने बताया कि उनसे लेन देन नहीं किया था और राशि उसके बैंक खाते से डेबिट कर दी गई थी। ईजी पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ग्राहक से बात करके मामले की जांच की और उनके अनुसार उनके गोरखपुर के कुछ एजेंट ने कस्टमर के आधार नंबर और अंगूठे के निशान का डाटा लेकर उनके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत पैसा निकाल लिया और फिर सारा पैसा खुद के बैंक खाता बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया। मामले की जांच के बाद उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उपरोक्त घटना की गंभीरता के दृष्टिगत परिक्षेत्रीय साइबर थाना गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि ईजी पे कंपनी पेमेंट गेटवे की सुविधा पूरे भारत में देती है, जिसके करीब पूरे भारत में 10 लाख एजेंट हैं और गोरखपुर में लगभग 9,000 एजेंट कार्यरत हैं, जो कि आधार से पैसा निकालना मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। उन्हीं में से कुछ एजेंट द्वारा ईजी पे कंपनी के ऐप का गलत इस्तेमाल करके हैदराबाद तथा आसपास के ग्राहकों का अनधिकृत रूप से आधार कार्ड तथा फिंगरप्रिंट के माध्यम से करीब 1 करोड़ की धन निकासी की गई, जिसके बाद विकास उर्फ विक्की साहनी पुत्र विजय साहनी निवासी मकान नंबर 84 धर्मपुर कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तथा अक्षय यादव पुत्र राम सकल यादव निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रमुख रूप से प्रभारी निरीक्षक साइबर अपराध थाना छविनाथ सिंह, उप निरीक्षक विनायक सिंह, उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक देवेंदु तिवारी, कांस्टेबल उपेंद्र सिंह, ब्रिजेश यादव, दिनेश पटेल, प्रमोद यादव, शैलेश पांडे, राजीव यादव, सर्वेश यादव शामिल थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, उनका ATM उनको देता था, उस ATM से पैसे निकाल के उसको देते थे और पर ट्रांजैक्शन को 5,000 मिलते थे, 5% ऑफ द ट्रांजैक्शन मिलता था। मास्टरमाइंड ये एजेंट नहीं है, ये अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे और जो वो जिन अकाउंट्स उसके पास ऑलरेडी थे उनका जो ATM देता था उससे ये पैसे निकाल के उसको देते थे। ये साउथ इंडिया के मतलब आंध्रा एंड कर्नाटका बेसिकली। ज्वेलरी भी इनके पास से मिली है और 6 मोबाइल इनके पास से मिले हैं। ये तो कभी ये तो बहुत टेंशन कर इसके नाम से है, जिसने इसके पास कोई गाय नहीं है, सिर्फ एक रोड है रेलवे चौकी के बगल में। और ये जो लड़का है अक्षय, इसमें इसका जो है जैसे होटल्स में स्टाफ सप्लाई करता है, ये गोरखपुर में ये आजमगढ़ है मतलब रेंज स्तर पर जो है जितने आस पास के जनपद है वहाँ जो होटल्स है उसमें ये स्टाफ सप्लाई करता है, चाहे वो वेटर्स हों या कुक हो जो भी हो। कहती है वो इनको उन खातों का ATM देता था, ये ATM से पैसे निकाल के उसको फिर देते थे, मतलब वो खुद किसी करता था, वो दूसरों लोगों से कराता था। बताता है वो एक साइबर क्राइम अपराध के संबंध में है। एक ईजी पे करके कंपनी है जो पेमेंट गेटवे है, उन्हें बेस्ड है, उसके जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनके द्वारा इसको कंप्लेंट भेजी गई कि इनके कुछ कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे अनाधिकृत रूप से निकाल लिए गए हैं। जब उस पेमेंट गेटवे ने अपना जाँच कराई
तो उसमें कुछ एजेंट्स के नाम निकल के आए जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस आधार पर उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन भेजा रजिस्टर डाक से, उस पर जाँच करके मुकदमा पंजीकृत किया और जाँच की गई तो उसमें जो बैंक अकाउंट हमें पहुँचा दिए गए थे उनके द्वारा, उसके हमारे KYC पे हमने जांच की तो उसमें कुछ नंबर्स निकल के आए, उस पर हमने काम किया तो दो व्यक्ति हमें अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। ये कंपनी जो पेमेंट गेटवे है उसमें ये लोग इजी पे के वॉलेट में पैसा ले लेते कस्टमर का, उसका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का क्लोन करके और फिर उससे अपने अकाउंट ले लेते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और फिर ATM उनको प्रोवाइड करते हैं कुछ अकाउंट्स का, जिससे वो पैसा निकाल करके ये जो फ्रॉडस्टर है उसको प्रोवाइड कराते हैं। पर ट्रांजैक्शन इनको 5% दिया जाता है और जो एक बंदे को हायर कर रखा है जो ATM से पैसा निकाल के देता है उसको पर डे ये 1000 रुपीज़ पे करते हैं। ये काम ये लगभग 2.5-3 महीने से कर रहे हैं और उस फ्रॉडस्टर के संपर्क में करीब पिछले 6 महीने से हैं। ये आप अपने आधार जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं इसको आप लॉक कर सकते हैं UIDAI की वेब पोर्टल पर जाकर के, और एम आधार ऐप है उसको अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके आप उसमें दिए गए स्टेप्स के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो लॉक हो जाएंगे और फिर उनको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। नगर निगम के अंतर्गत होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार को कर दिया गया, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के दायरे में 10 लाख मतदाता तथा पूरे जनपद में 13 लाख मतदाता की सूची जारी की गई है। 1,30,000 से अधिक नए मतदाता नगर निगम व पंचायतों को मिलाकर बने हैं तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जनपद में 1 नगर निगम तथा 11 नगर पंचायतें हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कर्मचारियों का डाटाबेस तथा रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। इसी रूट चार्ट का निरीक्षण कराया जा रहा है, कम से कम सुविधा जहां है वहां सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उसे दुरुस्त कराया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना किसी को ना करना पड़े। जो भी राज्य आयोग के निर्देश है उसे पूरा किया जा रहा है। निर्वाचक नामावलियों की सूची पार्टियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही आम जनमानस या अन्य लोगों को निर्वाचक नामावलियों की सूची की अगर आवश्यकता है तो वह NIC बिल्डिंग में जाकर निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस और डिप्टी DO लोकल बॉडी जो चुनाव है उसका डिप्टी DO हूँ। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। नगर निगम और हमारे यहाँ 11 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में लगभग 10 लाख से अधिक वोटर बन गए हैं और नगर पंचायतों को मिला दें तो पूरे जनपद में 13 लाख से अधिक वोटर हैं। नगर निगम में पहले हमारे 804 बूथ थे, अभी कुछ बूथ बढ़ गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है या कोई भी अन्य व्यक्ति जो मतदाता सूची चाहता है वो किसी भी दिन जो जिला निर्वाचन कार्यालय है स्थानीय निकाय का वहां जाकर के और 1 रुपये प्रति पेज के हिसाब से धनराशि जमा करके मतदाता सूची ले सकता है। एक वार्ड के ले सकता है, एक नगर पंचायत के ले सकता है या पूरे नगर निगम के ले सकता है। नए वोटर्स बने हैं, लगभग 1.5 लाख से अधिक पूरे जनपद में नए वोटर्स बने हैं जो अभी 18 वर्ष के हो गए थे। सर आगे क्या दिशा आगे, अभी जैसा कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने जिन लोगों को आगे चुनाव कराना था उनका जनपद स्तर पर डेटाबेस तैयार हो गया है, रूट चार्ट तैयार कराया जा रहा है। जो बूथ हैं उनका निरीक्षण करा करके उनको अगर कहीं पर कोई कमी है मिनिमम फैसिलिटीज़ में उनको पूरा किया जा रहा है। सर जो अभी तक प्रार्थना जमा नहीं किया उनके लिए क्या करना चाहिए? जिन्होंने प्रार्थना पत्र नहीं जमा किया है उनके लिए स्कोप अभी तो नहीं है फिलहाल और वे अब प्रतीक्षा करें। अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विदेशी यात्रियों की सहायता के लिए फॉरनर्स हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन SP GRP डॉक्टर अवधेश सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को फॉरनर्स हेल्प डेस्क के माध्यम से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे विदेशी यात्रियों की यात्रा पहले से सुगम बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि हेल्प
डेस्क 24 घंटे खुला रहेगा। इस डेस्क पर 3 शिफ्ट में कर्मचारी काम करेंगे जो सीधे जीआरपी कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है। मकर संक्रांति त्यौहार में पड़ोसी नेपाल के यात्रियों का पूरे वर्ष हमेशा आवागमन बना रहता है, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। अगर कोई भी यात्री पुलिस की सहायता लेना चाहता है तो वह फॉरनर्स हेल्प डेस्क पर संपर्क करें, उसे तत्काल पुलिस की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेंस अभिलाख त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर किरण यादव, थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, अभी तो आ रहे हैं आदि काम करेगा जो हेल्प डेस्क है। सीओ साहब हमारे उसके पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। खाने से उसका कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। मैंने उसका सुपरविजन सीधे ये गोरखपुर और गोरक्ष धाम के महत्व को देखते हुए जो निरंतर यहाँ पर देश विदेश के यात्रियों का आवागमन बढ़ रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के भी ये निर्देश थे कि यहाँ विदेशी यात्रियों के हेल्प के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हेल्प डेस्क खोला गया है और इस हेल्प डेस्क पर जो भी कर्मचारी रहेंगे वो सीधे मेरे अंडर काम करेंगे और जो भी सूचना होगी वो मेरे कंट्रोल रूम को और मुझे दी जाएगी, जो विशेष सुविधा सूचना रहेगी जो मेरे लायक है, और नहीं तो फिर जो मौके पर हेल्प डेस्क पर है वो उसको सहायता प्रदान करेगा। हाँ, हेल्पलाइन नंबर वो हमारा कंट्रोल रूम नंबर ही है, क्योंकि कंट्रोल रूम नंबर केंद्रीकृत रूप से वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उसके लिए अधिकारी नियुक्त हैं। अगर मेरे लायक आवश्यकता है तो मुझे बताएगा। हेल्प डेस्क नंबर कंट्रोल रूम का नंबर ही हेल्प डेस्क। हाँ, 24 घंटा काम करेगी और विशेष रूप से मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और जो हमारा ये नेपाल राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र, यहाँ के यात्रियों का निरंतर आवागमन यहाँ बना रहता है पूरे वर्ष, उनको कोई असुविधा न हो। अगर वो किसी भी पुलिस सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं तो यहाँ पर संपर्क करें और उनको तत्काल पुलिस की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनपद में कुल 122 धान खरीद केंद्रों पर हो रही है धान की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 और 2040 रुपए है निर्धारित। एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील। कहा, अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417615 पर करें संपर्क, तत्काल दूर होगी उनकी दिक्कत। आधार कार्ड के जरिए लोगों के करोड़ों रुपए निकालने वाले दो अपराधियों विकास उर्फ विक्की सहनी और अक्षय यादव को साइबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईजी पे कंपनी के पेमेंट गेटवे की शिकायत पर मामला हुआ था दर्ज। एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने किया खुलासा। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावलियों का शुक्रवार को हुआ अंतिम प्रकाशन। एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नगर निगम के दायरे में 10 लाख व पूरे जनपद में पंचायतों को मिलाकर जारी हुई 13 लाख मतदाताओं की सूची, 1,30,000 से अधिक पूरे जनपद में बने नए मतदाता।
विदेशी यात्रियों की सहायता के लिए जीआरपी ने की फॉरनर हेल्प डेस्क की गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापना। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा 24 घंटे खुला रहेगा फॉरनर्स हेल्प डेस्क, विदेशी यात्रियों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ प्रदान किया जाएगा आवश्यक सहयोग। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। कहा करियर के साथ साथ निभानी है आपको एक होममेकर की भूमिका। परिवार की सेफ्टी के लिए भाई बहनों व मम्मी पापा को ट्रैफिक नियमों का जिद करके करवाएं उनसे पालन। साइबर क्राइम की लगातार हो रही घटनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने शहर के सभी सिनेमा हॉलों के मैनेजर के साथ की बैठक। कहा सभी सिनेमा हॉलों में साइबर अपराध जागरूकता के लिए चलाया जाएगा स्लाइड ताकि आम जन साइबर अपराध के ना हो शिकार। रंगदारी मांगने के आरोप में हिस्ट्री शीटर राजू यादव उर्फ राजीव को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के विभिन्न चौराहों पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने छात्राओं को बताया कि आगे चलकर करियर के साथ साथ आपका परिवार होगा जिसमें आपको एक होम मेकर की भूमिका निभानी है और होम मेकर के रूप में आपके परिवार की खुशियाँ बनी रहे इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए भोजन के साथ साथ उनकी सेफ्टी के लिए आपको परिवार से अंकुश लगाना होगा। घर से बाइक निकालते ही अपने भाई बहनों व मम्मी पापा सभी के साथ जिद करके उनके हेलमेट को सही तरीके से जरूर बांधें और जब भी कार निकाले तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई नशे की हालत में वाहन चलाता है तो उसे वाहन ना चलाने दे जिससे दुर्घटना ना हो। यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देता है तो तत्काल ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 8081208567 पर उसकी फोटो व्हाट्सएप कर दें। उन्होंने कहा कि मैपल ऐप एक स्वदेशी ऐप है जिसे मेक माय इंडिया के तहत बनाया गया है। यह ऐप नेविगेशन के लिए एक सुपीरियर ऐप है जिसके माध्यम से हमें लोकल ट्रैफिक संबंधित जानकारी मिल पाएगी और इस ऐप के द्वारा आपको किस एरिया में पार्किंग स्थल कहाँ पर है इसकी जानकारी मिल जाएगी और VIP प्रोग्राम जुलूस होने पर रूट डाइवर्जन की जानकारी भी आपको मिल जाएगी तथा सरकारी सेवाओं बाढ़ ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की सूचना भी आपको इस मैपल ऐप के माध्यम से मिलेगी। इस अवसर पर ट्रैफिक CEO जयप्रकाश सिंह, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कृष्णा चटर्जी, यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, यातायात उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार पाल मौजूद रहे। हमारे साथी आपसे बड़ी उम्मीद लेके गए हैं कि आप लोग इसको जाकर के अपने परिवार में सबको बताएंगे कोई चीज नुकसान हो गया लगता है कि इसका विकल्प है। किसी ने अपने भाई को खोया होगा, पिता को खोया होगा, माता को खोया, कहां चले गए, उनका कोई भी खतरा दुर्घटना में मर रहे हैं, घायल हो रहे। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब लोग बड़ा 12 साल में 12 माह होता है एक माह जागरूकता अभियान किया जा रहा है। हम इतनी बड़ी बीमारी, ये बीमारी ही है जो सड़क दुर्घटना हो रही है, ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी मतलब हमारी जल्दबाजी, हमारी तेज गति से चलाना, हमारी लापरवाही। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जितने बच्चे यहाँ क्लास में हैं सबको काम करेंगे, कोई अंडर 10 होगा, कुछ अंडर 20 में होंगे, कोई टॉप पे होगा, कोई बॉटम पे होगा, होगा कि नहीं होगा। और सबकी क्या कोशिश है, सबकी कोशिश है कि हम टॉप करें, लेकिन अंडर 10 अंडर 20 जो है वो आस पास रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन टॉप और बॉटम में कितना अंतर होता है, बहुत अंतर। इसका कारण क्या है,
जिस चीज को हम याद करते हैं, हमारा मन मस्तिष्क शरीर और वो जिसको हम देख रहे हैं किताब के अक्षर बाटन वाला है, अगर उसके अंदर चीज है, इच्छा शक्ति है, लालसा है, तो वो ताप को भी पीछे ज्ञान है और वो बड़ा समकालीन होता बहुत, वो हमेशा के लिए एक संदेश होता है, एक ज्ञानवर्धक चीज होती है, इसलिए कि उसका अमल करेगा कितना बड़ा पुण्य का कार्य है, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। चीज करके सीट बेल्ट लगवाइए, स्वयं लगाइए और जो गार्जियन करे पापा गार्जियन करे तो कहना आपका और आपकी गाड़ी का फोटो खींच के मैं पुलिस अंदर को भेज रही हूँ। बादशाह छत्रपाल कुमार को ना है ना गाड़ी को है कौन को नहीं है तो हाँ तो फोटो खींच के हमारा इनकम नंबर वाली लिखा हुआ है 80-85-20-85-70 इस पर फोटो भेज लीजिए, हम चेतावनी देंगे आप फोटो भेजोगे तो पहले कार्रवाई नहीं करेंगे। हेलमेट तो बांधना जरूरी है, मैं हमेशा सड़क पर देखता हूँ, अभी मैं छात्र संघ चौराहे से और कलेक्ट्रेट चौराहे से होकर आ रहा हूँ, लोग हेलमेट सर पे रख के घूम रहे हैं, उनको लगता है इससे चालान नहीं होगा, चालान से नहीं बचना है, हेलमेट आपकी रक्षा के लिए है, रक्षा तभी करेगा जब आप उसको ठीक से बांधेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है घर का पुरुष बस और हेलमेट को अच्छे से बांधने के बाद ही टू व्हीलर को हाथ लगाए। कोई रास्ता बंद है, गेट बाईपास रोड पे सड़क बन रही है, हमने अभी असुरक्ष से लेके और पादरी का रास्ता बंद किया हुआ है, तो ये जानकारी आपको नेपाल ऐप पे मिल जाएगी, आपको जो आप नेविगेशन के लिए गूगल मैप यूज करते हैं उस पर ये जानकारी नहीं मिलेगी, आपको गोरखपुर के पार्किंग प्लेस की जानकारी मिल जाएगी, गोरखपुर में बिहार क्षेत्र में आपको कहीं जाना है, आगे सीकरीगंज जाना है, कहाँ बाढ़ आई हुई है वही पता हुआ है इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो नेविगेशन के लिए ये डेटा ऑप्शन है और उत्तर प्रदेश पुलिस इसके साथ साथ काम करती है, सभी जानकारियां हम अपडेट करते रहते हैं, इसलिए नेविगेशन के लिए इसका यूज करिए। साइबर क्राइम की हो रही घटनाओं को देखते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में शहर के सभी सिनेमा हॉलों के मैनेजर के साथ बैठक किया, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि साइबर अपराध की घटना तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए तरह तरह के माध्यम द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी साइबर अपराध का शिकार न हो। इसी उद्देश्य से शहर के सिनेमाघर के मैनेजर के साथ बैठक किया गया है ताकि सिनेमा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके, कि कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार हों। पुलिस साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर के मैनेजर को पुलिस द्वारा एक स्लाइड दिया जाएगा जो साइबर अपराध जागरूकता के लिए चलाएंगे, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को लेकर सभी लोग सतर्क रहें और अपने दस्तावेज, ओटीपी, ईमेल आईडी, पासवर्ड की जानकारी किसी को भी ना दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, उनको स्कीम आती है कि आप इस पर क्लिक करें कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतना पैसा दें, आपको उसके बदले में आपको इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके पहले एक इनिशियल अमाउंट उस बैंक में जमा करना है, तो अधिकतर लोग तो उस मौका पर निपटना नहीं चाहते हैं। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम लोग उनका पैसा जितना गया है उनको वापस कर देंगे। कल ही हम लोगों ने एक व्यक्ति के 40,000 रुपए गए थे, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों के जो निकले हुए हैं, 26-26 लाख लोगों की जो योजनाएं चल रही है हमारे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इसको जागरूकता के अभाव में ऐसा हो रहा है। जैसे कई बार गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए कहते हैं कि आप जैसे ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, मतलब बच्चों के साथ में जो बच्चे गेम खेलते हैं, तो मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मतलब आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है 10-12 साल से लेकर और 80 साल तक के, जितना भी आप समझ लें। इवन जो है एक मैं ऑडिट भी दिलवा रही हूँ, हमारा ये साउंड सिस्टम है ना ट्रैफिक वाला, उसमें दिलवा रहे हैं,
बकाए पे मैंने दे रखा है वहाँ पे जाने के लिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों के यहाँ पे ना ज्यादा जनता आती है, तो जितने भी लोग आप जा रहे हैं अगर उसमें से थोड़े से भी लोग जागरूक होंगे तो हम लोगों का जो पर्पज है सॉल्व हो जाएगा, बाकी आप लोग और भी। बट ये कि हमारे जितने भी सोर्सेज हम लोग जितने भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, उन सबका प्रयोग करते हुए ज्यादा ज्यादा लोगों को हम लोग अवेयर कर सकते हैं, तो इसमें आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए हमें। आज जैसे साइबर अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है तो उस संबंध में जनता को और जागरूक बनाने के लिए और उन्हें साइबर अपराध से सुरक्षित करने के उद्देश्य से आज सुबह जितने भी गोरखपुर में पिक्चर हॉल्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनको बुलाया गया था ताकि उसमें हम उस उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकें ताकि कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार हों और सुरक्षित रह सके उस साइबर अपराध से। इसी संबंध में उनकी बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी मैनेजर्स ने जो भी हम स्लाइड देंगे उनको उसको चलाने के लिए और जो भी योगदान उनके स्तर से है उसको करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जनता में जागरूकता फैलेगी और कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार होंगे। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंपियरगंज थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोप में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजू यादव उर्फ राजीव यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी मेरुई बुजुर्ग थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके ऊपर 24 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राजू यादव उर्फ राजीव यादव को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बलुआ उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह, कांस्टेबल नीलेश कुमार यादव, अंकित यादव, सोनू यादव शामिल रहे। यातायात माह के अंतर्गत सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के विभिन्न चौराहों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जन जागरण अभियान के तहत महानगर के चौराहों पर सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने अंबेडकर चौराहा, कचहरी चौक, अग्रसेन चौराहा, छात्र संघ चौराहा पर अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया तथा लोगों को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, रोड पर जब भी चले धीमी गति से चले ताकि कोई दुर्घटना होने से बच सके और अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। इस अवसर पर सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन संजीव गुलाटी, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस कर्मी व सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनपद में कुल 122 धान खरीद केंद्रों पर हो रही है धान की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 और 2040 रुपए है निर्धारित। एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने किसानों से की अपील, कहा अगर कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एडीएम फाइनेंस एवं जिला धान खरीद अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417615 पर करें संपर्क, तत्काल दूर होगी उनकी दिक्कत। आधार कार्ड के जरिए लोगों के करोड़ों रुपए निकालने वाले दो अपराधियों विकास उर्फ विक्की सहनी और अक्षय यादव को साइबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईजी पे कंपनी के पेमेंट गेटवे की शिकायत पर मामला हुआ था दर्ज। एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने किया खुलासा। नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावलियों का शुक्रवार को हुआ अंतिम प्रकाशन। एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा नगर निगम के दायरे में 10 लाख व पूरे जनपद में पंचायतों को मिलाकर जारी हुई 13 लाख मतदाताओं की सूची, 1,30,000 से अधिक पूरे जनपद में बने नए मतदाता।
विदेशी यात्रियों की सहायता के लिए जीआरपी ने की फॉरनर हेल्प डेस्क की गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापना। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा 24 घंटे खुला रहेगा फॉरनर्स हेल्प डेस्क। विदेशी यात्रियों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ प्रदान किया जाएगा आवश्यक सहयोग। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। कहा करियर के साथ साथ निभानी है आपको एक होममेकर की भूमिका। परिवार की सेफ्टी के लिए भाई बहनों व मम्मी पापा को ट्रैफिक नियमों का जिद करके करवाएं उनसे पालन। साइबर क्राइम की लगातार हो रही घटनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने शहर के सभी सिनेमा हॉलों के मैनेजर के साथ की बैठक। कहा सभी सिनेमा हॉलों में साइबर अपराध जागरूकता के लिए चलाया जाएगा स्लाइड ताकि आम जन साइबर अपराध के ना हो शिकार। रंगदारी मांगने के आरोप में हिस्ट्री शीटर राजू यादव उर्फ राजीव को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के विभिन्न चौराहों पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। अब मुझे दी इजाजत। नमस्कार।